नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शास्त्री, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। आज हम ग्रहों के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। चार तरह के तत्व होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ज्योतिष की नजर से ये भी महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अपने पहले चैनल में भी आप लोगों को बताया था कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप और नीचे से बारीकी से। इस वीडियो को मैं, ये बहुत छोटा एक टॉपिक है, इसको हो सकता था मैं पिछले वीडियो में भी कवर कर देता, पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, हर टॉपिक स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सरल तरीके से कम शब्दों में समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू के 3 वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने अपने शुरू के वीडियो में 12 तरह की जो राशियां होती हैं, इसका क्या महत्व है ज्योतिष के अंदर। फिर मैंने 9 ग्रहों के बारे में बताया, कुंडली के अंदर जो 12 भाव होते हैं उसके बारे में चर्चा करी। ये 3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद चौथे वीडियो के अंदर मैंने ग्रहों की डिग्री, और 5वें में मैंने राशियों का स्वभाव, और आज ये हमारी 6ठी वीडियो है जिसमें हम तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो लोग ज्योतिष सीख रहे हो, वो जानना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, प्लीज वो पहली वीडियो को जरूर देखें, वहीं से ही शुरू करें, ताकि आप सरल तरीके से आप भी स्टेप बाय स्टेप समझ सको। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहली वीडियो से ही मैं बताते आ रहा हूं कि 12 राशियां होती हैं। मेष वृषभ, पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, धनु, नौवीं, दसवीं मकर, ग्यारहवीं कुंभ और 12वीं मीन। इनके स्वामी आप जानते हो, ये पहली वीडियो में मैंने बता दिया, आज वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आज सिर्फ राशियों का हम तत्व पढ़ेंगे। तो देखिए, 4 तरह के तत्व होते हैं, एक अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो आज सबसे पहले हम अग्नि तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। अग्नि तत्व के अंदर आती है 3 राशियां, मेष, सिंह और धनु। इसका मतलब, जैसे यहां पे 1 लिखा है पहले नंबर की, 5वें नंबर की जो कि सिंह राशि होती है, और 9वीं राशि जो कि धनु होती है। ये अग्नि तत्व की राशि होती है। अग्नि तत्व कि राशि होने के कारण ऐसे लोगों का कैसा स्वभाव होता है, यानी अगर आपकी ये राशि हुई तो आपका स्वभाव कैसा होगा, क्योंकि तत्वों का भी प्रभाव आपकी जिंदगी में पड़ेगा। तो ऐसे लोग भावुक, गतिशील, गंभीर, कभी कभी मनमोजी, गुस्सेल, ऐसे जातकों के अंदर शारीरिक ऊर्जा बहुत होती है, ऊर्जावान होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, शीघ्र भड़क जाना, इस तरह के ऐसे लोग होते हैं। और क्योंकि अग्नि तत्व के हैं, तो इन लोगों को पेट में पित्त हमेशा बना रहता है, या इसकी समस्याएं बनने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और धीरे धीरे जब हम कुंडली का एनालाइजिस करेंगे और डेप्थ में बात करेंगे। अभी आप मोटे तरह से समझ लीजिए कि कितने तत्व होते हैं और बारीकी से कैसे देखते हैं। अभी बहुत सारी चीजें अगर मैंने आपको बता दी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब अगर पृथ्वी तत्व की बात करें, तो पृथ्वी तत्व के अंदर आती है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, यानी 2 नंबर की जो राशि होती है वृषभ, 6 नंबर की जो राशि होती है कन्या, और 10वें नंबर की जो राशि होती है मकर। ये होती है पृथ्वी तत्व की। ऐसे लोग जमीन से जुड़े होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, विश्वास योग्य होते हैं, और भौतिक चीजों के प्रति इनका लगाव होता है। और पृथ्वी तत्व होने के कारण वात, पित्त और कफ, इनको तीनों बना रहता है, और शारीरिक रूप से भी ये जल्दी बीमार हो जाते हैं। इनको वात भी बना रहता है, कफ भी बना रहता है और पित्त भी बना रहता है, यह संभावना ज्यादा होती है। अब हम चर्चा करेंगे वायु तत्व के बारे में। देखिए, वायु तत्व की 3 राशियां होती हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। इसका मतलब यह है, मिथुन का मतलब 3 नंबर की राशि, तुला का मतलब 7 नंबर की राशि, और 11 का मतलब कुंभ राशि, 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि। तो ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होगा अगर आपकी ये राशि है, अगर आप वायु तत्व के हैं तो वायु तत्व होने के कारण बुद्धिजीवी, मिलनसार, विचार रखने वाले, विश्लेषणकर्ता, पुस्तक पढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं। वायु तत्व का होने के कारण ऐसे जातक को गैस की दिक्कत बनी रहती है। अब हम चर्चा करेंगे जल तत्व के बारे में। जल तत्व के अंदर जो राशि आती है वो 3 होती हैं, एक कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क का मतलब 4 नंबर की राशि, 8 का मतलब वृश्चिक राशि और 12 का मतलब मीन राशि। ये तीनों जो राशि होती है जल तत्व की होती है।
ऐसे लोग जिनकी जल तृप्ति होती है बहुत भावुक होते हैं, भावनात्मक दृष्टि से बहुत अच्छे, दिल के साफ होते हैं, संवेदनशील होते हैं, मदद के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। आप ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। जल तत्व होने के कारण ऐसे लोगों को कफ सर्दी लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सिर्फ इतना ही अभी हम चर्चा करेंगे, आपको ये नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए, आने वाले जो वीडियो होंगी या आने वाले जब हम विश्लेषण करेंगे उसमें इनका एक अहम योग रहेगा। तो दोस्तों हम अभी इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और एक ज्योतिष से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगा। नमस्कार।